आदि खान, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग कहाँ जा रहे हैं दिखाएं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2022 का हम जो है टेस्ट मैचेस जो हो रहे हैं वो देखने जा रहे हैं। और हमारे सेकंड डे आज, और हमारे साथ जो है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आज दोस्त हैं, गेस्ट हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो कि इस्लामाबाद इनका ताल्लुक है। और LOP 4380 आप लोगों को भी याद ही होगा, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वो मैंने इन भाई से ली थी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक आदि भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली मैच वैच देखने। यस, वी आर गोइंग। तो आज हम जरा गॉड स्पेशल पासेस, VIP पासेस, VIP पासेस है जी हमारे पास। VIP गेट 14 से अंदर होना है, गेट 14 से अंदर होना है। और चले आप लोगों को भी लेके चलते हैं, बस इंतज़ार हो रहा है मामा का और समी का, वो लोग आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अपनी जगह पे निकलते हैं। हमारे साथ उस्मान भाई, समी भाई, अम्मा हजूर। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने रास्ते पे और वहाँ जाके आपको बताते हैं हम कालो के क्या कालो बेगम। मैं इधर कालो बेगम को हमने कर दिया है रेस्ट पे और उस वक्त शुक्र मना रही है कि मेरा बीजा छोटा। और अभी हम जा रहे हैं सिटी पे टार्जन। अब हम आप लोगों से उधर जाके मिलते हैं। बहुत बड़ा हैंड ये हो गया कि हमें पता नहीं था कि पार्किंग के लिए क्या करना होता है, पास कार पार्किंग पास बनवाना होता है, वो हमने बनवाया ही नहीं। तो अब गाड़ी जो है वो थैंक यू आमिर भाई का, आमिर दुरानी भाई का, जिन्होंने हमें क्या कहते हैं हलीम भाई के घर पे गाड़ी खड़ी करवाने की इजाज़त दे दी। तो गाड़ी हम लोग वहाँ खड़ी करके आगे सोसाइटी बनाए। इनके बकौल के जो स्टेडियम की जो सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ वो मिलीनियम कराची के जो बॉयज़, उनको पता होगा वो मिलीनियम मॉल के पास लगाएँ, वहाँ से वापस आएँ। क्या इतना क्या, इतनी खूबसूरत भी टीम हमारी नहीं है कि इतने उनके लिए पैदल आए हम वापसी। खैर हमने गाड़ी करीब में ही लगा दी, अब हम जा रहे हैं सर अंदर, जाके देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे। पाकिस्तान का मैच नहीं हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया हमारे लिए यार। अच्छा भला उस्मान भाई, आपने इंसिस्ट किया, आपने कहा मैंने सिर्फ चलो ऑफर दी। नहीं मैं टिकट्स का रिस्पॉन्सिबल था, टिकट्स आर विद मी, बाकी का मैं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो मेरी उसमें नहीं थी। नहीं इनकी भी गलती नहीं है, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि गेट नंबर 14 का क्या सीन है, VIPs का क्या सीन है, VVIPs का क्या सीन है, या ट्रिपल VIPs का क्या सीन है। तो ख्वार कर दिया यार ये, ख्वार हो गया। लेकिन ये याद रहेगा आपको, हाँ घंटा याद रहेगा, इंग्लैंड जीतेगा। व्हाट इज़ दिस यार उस्मान भाई, व्हाट इज़ दिस, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जो मैं नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो मैं नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किलों के बाद जाके जब हम पहुंच चुके हैं, मेरे मतलब की बहुत ये घूम रही है क्या ये गाड़ी। हमें जगह इतनी प्यारी मिली है ना कि हमारे सामने दो डंडे आ रहे हैं तो हम इन डंडों को साथ बर्दाश्त करते हुए मैच देख रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है, क्या हुआ? बाल बाल बच गया, वेरी गुड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आया। ये गोरा है और ये अपना पाकिस्तानी कर गया। और ये हमारे गोरी बात बरादरी नाच रही है अभी, बाकी यार
एक मिनट यार, एक मिनट। बाकी यार बातें जो है ना वो गाड़ी में जाके करते हैं। उल्टे हुए होंगे, उल्टे हुए होंगे अभी इस टाइम पे। फोटोग्राफ लिया जा रहा है इसका। आदि खान जैसे बहुत बड़े क्रिकेटर है। ठीक है, जो यहाँ से नमस्ते मेरा जी। मेरी आइसक्रीम टपक रही है। मेरा असल नाम है, वही नाम है। कौन है? रुक, कहां से आते हैं? आधी फैन फॉलोइंग मूवमेंट, आधा मैच आधी ने तस्वीरों पर और सेल्फीज पे गुजार दिया। इट डिडंट सॉ एनीथिंग। आधी से हाय टू योर ब्लॉग। क्या हुआ? इतनी आती है। अब हमारी हो गई है बस। सर इतना बड़ा सारा टाइम गया आप आगे से। बाय बाय टीम पाकिस्तान इन इंग्लैंड। ये गाड़ी अलग रवाना हो रही है, ये घर जा रहे हैं। बाय बाय। बाय जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे और मामा जो हैं वो हम जा रहे हैं ज़रा टार्जन को लेके वर्कशॉप इसकी। तो इसको हम लेके जाएंगे वर्कशॉप जी। अभी पहुँचे हैं हम ज़रा ये KFC, हमारा फेवरेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मा का फेवरेट। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक है। तो बस अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं। गाड़िया ये घर हमारा टार्जन। यार एक बात है, जो कालो बेगम का मज़ा है ना वो इसमें नहीं है। अब पैदल ड्राइव सूट पर चलती है। अभी ना यहाँ पे एक इंस्पेक्टर घूम रहा है छोटा सा, वो मैं ढूंढ के दिखाता हूँ किधर गया। जो गाड़ी आती है उसको सूंघने लग जाता है। ये जो इंस्पेक्टर है ना, ये इंस्पेक्टर हर गाड़ी को सूंघ रहा है। मतलब जैसे इसके बाप का राज है ना, कोई बम शम फिट हुआ है। पागल जाना है ये इंस्पेक्टर। देखा वाकई इसका नाम इंस्पेक्टर है। बैकग्राउंड से समझ आ गई होगी आप लोगों को। वी आर बैक एट कारियोनिक्स आसिफ भाई के पास। आसिफ भाई से भी मिलवाता हूँ आपको। वो अपना टार्जन खड़ा हुआ है बोनेट खोल के, और हम वापस आ चुके हैं आसिफ भाई के पास। आसिफ भाई आज आपके पास नई चीज लेके आए हैं, आर्ट प्लग वाली सिटी। ये आईडिया ऐसा ही होती है, डुअल सीक्वेंशियल इग्निशन वाली गाड़ी। उसमें फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है इसकी। ये फ्यूल की वैसे फेमस है सिटी जो है। एक ये 2003-4-5 और 6-7-8 मॉडल तक बहुत अच्छी इकोनॉमी देती है। सो यार जल्दी जल्दी अब आप लोग ये भी ले लो, ठीक है? अब ये महंगी हो जाएगी गाड़ी, मैं महंगी बेच दूंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये हमारा बॉय वही वाला, क्या हाल है? ये हमारी सिटी खोल खाल के रखी हुई है अभी इन्होंने। ये मेरा दोस्त है यार, बहुत अच्छा। इसको मैंने कहा जा गाड़ी वाइट वाइट हो रही है, मामा कलम कर दो। कितने पुर्जे हुए अभी तक? ये तो पहला कर रहा हूं, पहले इसका हो गया बम्पर, हो गया। हाँ यहाँ निशान थे ना, बम्पर का कलर ही और था। ये ब्लू दाने में है, ये और दाने में। ये वही रिबॉन वाला हिसाब है मेरा वाला, है ना? हाँ। ये देखो ये ब्लू शेड आ रहा है ना। हाँ। और ये देखो ये और शेड, ये फेंडर टचअप है ना, इसलिए बस ये फेंडर टचअप है, इसकी डिगी टचअप है बस। लो मैंने सारी सारी बात मैंने बता दी अपनी गाड़ी की। ये पता है क्या हुआ है? ये डेंट, ये समी ने मुक्का मारा है मोटे ने। अच्छा गाइस इस गाड़ी में ना आते हैं 8 प्लग, 4 इधर और 4 इधर। V8 वाला हिसाब है इस गाड़ी का भी। मेरा भाई प्लग लगा रहा है, और ये टोटल बॉडी थी जो साफ हो गई है। वॉशिंग करा इसमें, लगा रहा है कितनी साफ सुथरी हो गई है। ये है ऑयल फिल्टर लगा दिए, ऑयल फिल्टर बोला, ये पुराना वाला है ना, ये नया वाला है? नया वाला है, नया वाला ऑयल फिल्टर भी डल गया, ऑयल भी डल रहा है। तो प्लग हो जाए उसके बाद ऑयल है ना जी। अभी ऑयल डालना है, नट फिल्टर लगा दिए। क्या कह रहे हो? नट फिल्टर लगा दिए। हाँ इसके आगे कोला लग रहा है। इस
यहाँ के ट्रक वालों की देखना, नहीं ये सही है। आधे हो गए हैं या वर्कशॉप वाले काम जो होते हैं ना बड़े खौरी वाले होते हैं यार। तो इसके अंदर सीन ये है इस गाड़ी का कि ये गाड़ी बेचूंगा मैं अभी, लेकिन थोड़ा टाइम रख के फारिग कर दिया यार, थक गए हैं। ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एसी फिल्टर चेंज, उनको एयर फिल्टर चेंज, चार फिल्टर ये, तीन फिल्टर ये, ऑयल, इसकी जनरल ट्यूनिंग पे, थ्रोटल बॉडी साफ। तो ये मैं आप एक मैसेज है सबके लिए जो गाड़ियाँ ओन करते हैं कि यार अपनी गाड़ी जो है ना टाइमली परफेक्ट रखा करो, मतलब उसकी मेंटेनेंस वगैरह टाइम पे किया करो। ये आपकी जनरल मेंटेनेंस होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं आपका थ्रोटल बॉडी होती है, आपकी क्या कहते हैं ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल वगैरह, गियर ऑयल्स वगैरह। तो ये आप मेरी गाड़ी ये वाली जो है रिबॉन जो है 1,77,000 हुई हुई है अपने इंजन के ऊपर, ये भी अपने इंजन के ऊपर 2,15,000 कुछ चली हुई है गाड़ी। ये गाड़ी मेरे बहुत पुरानी थी लेकिन ये इस्लामाबाद में होती थी इसलिए इसका मैंने किसी को रिवील नहीं करवाया, तब मैं यूट्यूब पे भी नहीं था। हाँ, जो मेरे साथ स्नैपचैट वगैरह पे लोग हैं, लड़के हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने कभी जब मैं इस्लामाबाद कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये है कि आपकी गाड़ी माइलेज डजंट मैटर, आपका इंजन परफेक्ट हो, आप उसकी केयर करते हो ना, तो दैट इज़ वेरी गुड। वो बहुत अच्छा होता है आपके इंजन के लिए, आपकी गाड़ी की लाइफ के लिए। तो क्योंकि सबसे मेन चीज़ दिल होता है, उसके बाद क्या कहते हैं आप बाकी उस पर जाते हो, अपने बालों पे, फेफड़ों पे, गुर्दों पे, पेट पे। दिल आपका होना चाहिए मजबूत, चाहे गाड़ी को या आपका अपना हो। और आज मैं यार वो टेस्ट मैच देखने गया था, तो वो ऐसे ही मैंने शुगल में लगाया था कि इंग्लैंड जीतेगा। नहीं यार, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, ऐसे बुरा लग रहा है बैठते हुए, ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे बैठेंगे। तो हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, वी आर विद पाकिस्तान। और क्या कहते हैं मैच था सिर्फ और सिर्फ ना, मैं व्लॉग के लिए मैच देखने गया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्या कहते हैं क्रिकेट में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में तो वो मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ व्लॉग के लिए मैंने कहा यार चलो अपने भाइयों को ना थोड़ा दिखाएं टेस्ट मैच वगैरह के। डे टू पे हम गए थे तो मैं यस आई वेंट देयर, और क्या कहते हैं मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पर कुछ फुटेजेस वगैरह बनाई। वहाँ पर जो टसल भी लग गई पाकिस्तानियों की और गोरों की, तो ये वही गोरे हैं जिन्होंने हम पे हुकूमत चलाई, इनकी ऐसी की तैसी। यहाँ पे ये पैक पुक होगी, अब सफाई हो रही है यहाँ पे, और क्रेडिट गोज़ टू हिम हिम हिम। तुमने क्या किया वैसे? कल में लगाई है। और तुमने? मैंने सीटों का काम किया है, इसको तो सारा काम इसी ने किया है ना, है ना? देखा अब डॉलरों में मांगेगा मुझसे, मुझे इतने डॉलर देते।